एस्टर इस्राएलर जिहुदी युवती थिले, पितामाता मरी जाइथिले, एणु मर्दखय तार जत्न नेले। एस्टर ओ मर्दखय बंदी हुई पारस्य देशकु नियागले। पारस्यर राजा महा क्षमतापन थिले, समस्ते तांकु भय करुथिले। तांको राणी जेतेबेळे तांकु असंतुष्ट कला, से राणी परिवर्तन करिबाकु निष्पत्ति नेले। तहिरे तांको समग्र राज्यर सुंदर युवती मानकु तांको पाखकु अणा जिबाकु आदेश देले। सेमानकु मध्यरु एस्टरंकु निजर नूतन राणी रूपे बाछि नेले। किंतु एस्टर जे जिहुदी एकथा काहकु परिचय देले नाही। हामान पारस्य देशर प्रधानमंत्री थिले। से जाउथिबा समयरे समस्ते ताहकु नतमस्तक होई प्रणाम कले। मर्दखय केवल जीवंत ईश्वरंक निकटरे नतमस्तक हुअन्ति, एणु हामान आगरे से नतमस्तक नुहिला। एया देखि हामान बहुत रागिगले। से मर्दखयर प्रतिशोध पाई चिंता कला। दिने से राजाकु कहिला, जिहुदी लोक राजाज्ञा पालन करन्ति नाही, तेणु सेमानकर विनाश निमन्ते गोटे आदेश दियन्तु बोली कहि राजाकु परामर्श देले, जेपरि राजाज्ञा हेबो। सेथिरे राजाज्ञा पाए गोटे तारिख निरूपण करि सेदिन समस्त जिहुदी लोकंकु हत्या कराजिबो बोली से घोषणा कले। हामान निजे गोटे विराट फाँसी कुंट तयारि कले मर्दखयकु फाँसी देबा पाए। ए कथा जाणि मर्दखय एस्टरंकु कहि पठाइले, जिहुदी लोकमानक उद्धार पाइ राजांक निकटकु जाओ। किंतु एस्टर कहिले, बिना डाकरारे राजांक निकटकु जे जीव से मृत्युदंड भोगिब। तथापि से जिहुदी लोकमानक प्रार्थना करबाकु कहिले। पुणि से राजांक निकटकु जिबाकु प्रस्तुत होइ कहिला, मु राजांक कति कि जीवि, विनष्ट हेले विनष्ट हेबि। चबि बार ईश्वर जिहुदी मानक प्रार्थना शुणिले राजा एस्टर को ग्रहण कले। से राजा ओ हामन को विशेष भोज पाई निमंत्रण कले। भोजन परे राजा एस्टर को अनुरोध जानिबाकु चाहिले, मोर इच्छा है जे मु एवं मोर लोक माने बंचिबाकु चाहु, जेहेतु मु एवं मोर लोक माने मृत्यु निमन्ते बिक्री होइछु। राजा कहिले, एपरि दुसाहस कार्य किए करिछि? एस्टर कहिले, हे हामन आमर शत्रु। हामनर मंद ओ दुष्ट षड़यंत्र विषय जाणि राजा अत्यंत क्रोधान्वित हेले। मर्दखय निमन्ते जेउ फाँसी काट तयारी करिथिला सेथिरे तांकु फाँसी देबा पई राजा आदेश देले। पुणि जिहुदी लोक रक्षा पाइले, एस्टर निज लोकमानक पई मरिबाकु प्रस्तुत थिले। किंतु जीशु ख्रीष्ट आमकु एते प्रेम कले जे आमकु अनंत मृत्युरु उद्धार करिबा पई से निजे आमो पई मृत्युबरण कले।